सूरजपुर के रामानुज नगर में कांग्रेस नेता की दबंगई का मामला सामने आया, जहां उसने पुराने विवाद को लेकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि के साथ मारपीट कर दी, जिससे दो महिलाओं समेत चार लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं विवाद के बाद गांव में तनाव को देखते हुए मारपीट के आरोपी को सूरजपुर थाने में रखा गया है। आपको बता दें कि सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश उपाध्याय और कांग्रेस नेता अभय गुप्ता के बीच बीते पंचायती चुनाव से विवाद चलता आ रहा है और इसी पुरानी रंजिश को लेकर मामूली बात पर फिर से विवाद हो गया। थाना आ रहे थे तो मारपीट कर रहे थे। थाना क्यों आए? क्या कुछ पहले भी कुछ बस स्टैंड में मारपीट हुआ था। किसके साथ? आप? हमारे साथ दुकान में बैठती हूँ तो मारपीट किए थे वो। मेरे को बाहरी बोलता है भाई, माँ बहनी गंदा गंदा गाली दिया, बोला कि तू बलात्कारी है, मैं तेरे को फर्जी केस में फंसाऊंगा, मैं तेरे को जेल भी भेजवा दूंगा, और पीछे से धक्का मुक्की मेरे को करने लगा। वहाँ पर मैंने शब्द कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप था। चुपचाप होने के बाद मैं वहाँ से सीधे आया और मैं मैडम के कार्यालय के पास बैठ गया। वहाँ पे मैं दो चार दस लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा घटना है, मैडम को भी बताया, जिला के लोगों दोनों चारों पीड़ित को हम लोग अस्पताल में भर्ती कर दिए हैं। MLC उनका भरा जा चुका है और मौके पर ही उसमें FIR कर रहे हैं। अभय गुप्ता को एहतियातन सुरक्षागत कारणों से उसको दूसरे थाना में शिफ्ट किया गया है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गरीबगंज जिले की राजिम मंडी में 5 दिन पहले किसानों और धान की रौनक